So hi guys, welcome to SG Family Vlogs. So I am back with my another video on Cook With Me series. So today I am making Hanji Karele. So आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी. आई थिंक जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आई थिंक वो थोड़ा सा मूव बना सकते हैं, बट मम्मियाँ काफ़ी खुश हो जाएंगी, दादियाँ काफ़ी खुश हो जाएंगी कि चलो इस रेसिपी से हमारे बच्चों को करेला खाना. सो ये करेले जैसा लगेगा ही नहीं, ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है. एंड ज़्यादा अगर जिनके बच्चे घर में करेले नहीं खाते हैं, आई थिंक वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि मैं क्या क्या यूज़ करूँगी, कैसे बनाएंगे, सो पूरा प्रोसेस देखते हैं. सो गाइज, यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है करेले. ये मैंने दिन में बहुत अच्छे से नमक और हल्दी में इनको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया था ताकि जो इनका कड़वापन है वो दूर हो जाए. फिर मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल. अगर आप इसे सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत बेटर बनेगी. देन यहाँ पे मेरे पास है थोड़ी सी सौंफ, ये मैं हींग यूज़ करूँगी. एंड यहाँ पे अपने बेसिक मसाले हैं एंड थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रेसिपी. हाई ले लिए एंड इसमें मैं अपना सरसों का तेल डाल रही हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कितना सरसों का तेल आपको ज़रूरी होगा. सो बस ये थोड़ा हीट अप हो जाए फिर मैं बताती हूँ आगे का प्रोसेस. मैंने जो करेले भिगोए थे उसमें जो मैरिनेट किए थे हल्दी और नमक में, मैंने उनको धो लिया है ताकि उनका जो कड़वापन है वो निकल जाए. तो गाइस, जैसे कि तेल गर्म हो गया तो बस मैं अब ये सबसे पहले इसमें फ्राई करूँगी. गाइस बस इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना एंड इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना. बस यही सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो बस सिंपल बेसिक मसाले डालेंगे. तो मिलते हैं जब थोड़े से फ्राई हो. देख सकती हो कि अच्छे से फ्राई हो गए, बस मैं अब इनको निकाल लूँगी. तो बस अब इसमें मैंने तेल डाला है एंड अब मैं थोड़ी सी हींग डाल, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे. इस समय पे अपनी गैस बंद कर लेना, अदरवाइज़ ये जो मसाले, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च, इसको अच्छे से चला लो ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाए. थोड़ा सा धनिया पाउडर. सो गाइस, इस तरीके का आपका पूरा मसाला तैयार हो गया है. बस मैं आपको खटाई बताना भूल गई थी, बस मैं वो डालूंगी. खटाई डालेंगे, खटाई और सौंफ तो बहुत ज़रूरी होती है करेले में, अदरवाइज़ वो कड़वापन नहीं जाएगा एंड सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है. सर नमक ऐड कर रही हूँ. मैंने स्टार्टिंग में भी हल्का सा नमक फ्राई करते वक्त ऐड किया था, तो ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, फिर बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा. और अब मैंने फ्राई कर लिया, मसाला तैयार हो गया है हमारा. अब मैं अपने जो करेले हैं वो इसमें डाल दूंगी. करेले डाल रही हूँ. बस अब इसको हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को. एंड 2 से 3 मिनट पकाएंगे. बस मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए एंड बस कुछ इस तरीके का आपका करेला दिखना चाहिए कि बिल्कुल बच्चों को पता ही नहीं चले कि वो करेले हैं. सो कुछ थोड़ा अलग सा डिफरेंट सा है और इसमें मैंने कोई प्याज, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें डाली, सिर्फ बेसिक मसाले डाले हैं एंड 5 मिनट में बन जाती है रेसिपी. तो इसीलिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी. आप इसे पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं. तो बस ये मेरी रेसिपी है एंड मैं इसको प्लेटिंग करूँगी एंड सर्व करूँगी. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई प्रीवियस वीडियो. होपफुली आप ये करेले ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर में एंड मुझे प्लीज़ बताएंगे कमेंट करके कि क्या आपके बच्चों को ये रेसिपी पसंद आई या आपके घर वालों को. सो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए. दैट इज़ food_frolics22. सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई प्रीवियस वीडियो. बाय.